पॉलीथीन मुक्त का संदेश लेकर समाज सेवियों ने नवनिधि पर्यावरण मित्र रैली निकाली। जो कुंदा तट से शुरू हुई रैली में प्लास्टिक उपयोग में नहीं लेने और पर्यावरण को बचाने की मुहिम के साथ घरों से कपड़े की थैली बनाकर दुकानदारों और राहगीरों को बांटी गई। वहीं लोगों से प्लास्टिक उपयोग में नहीं लेने के लिए संकल्प भी दिलाया। रैली में शामिल सदस्य हाथों में पॉलीथीन से होने वाले नुकसान के स्लोगन लिखी तख्तियां लिए चल रहे थे। सदस्यों ने बताया कि हमारा उद्देश्य शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने का है। इसी के संकल्प के साथ दुकानदारों और लोगों को प्लास्टिक उपयोग से पर्यावरण को होने वाले नुकसान बताए और जागरूक करने की रैली निकाली। रैली कीला गेट, सराफा बाजार होते हुए नगरपालिका परिसर पहुंची। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। के लिए तैयार करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है और आप सबके मदद से इस दिशा में प्रयास शुरू हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण समिति का ये पहला प्रयास था। आदरणीय दीदी हमारी पुष्पा पटेल जी, भाई अभय राणा जी और भाई कुबेर जोशी जी और हम सब ने मिलकर ये प्रयास किया था कि पर्यावरण के प्रति जन जागरण की एक शुरुआत की जाए और ये उसके लिए प्रथम रैली थी। और हमें बड़े खुशी है कि खरगोन शहर का सारा प्रबुद्ध नागरिक वर्ग इससे जुड़ा और ये सब लोग अगर इस काम में अपने आप को समर्पित करें तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जो पर्यावरण की कमी होती जा रही है, आज अगर हम दिल्ली में देखें तो सांस लेने की कठिनाई है, कल अगर इसी प्रकार पर्यावरण को खराब करते रहे तो खरगोन की भी यही हालत होगी, पूरे देश की यही हालत होगी। तो पूरे देश में पर्यावरण से संबंधित पौधे लगाना, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम, मैं तो ये कहता हूँ कि प्लास्टिक के उपयोग की हम यहाँ दुकानदार से बात ही क्यों करते हैं कि तू प्लास्टिक तेरी जब्त करेंगे, तेरे खिलाफ केस बनाएंगे। जो सरकार बैठी है, सरकार उस प्लास्टिक बनाने वाले को जो लाइसेंस देती है उसको वो लाइसेंस देने ही बंद कर दे ना। टैक्स तो सरकार प्राप्त करती है और सरकार कहती है कि फिर प्लास्टिक बंद हो, ये दोहरी नीति कैसे चल रही है साहब? ये दोहरी नीति जब तक बंद नहीं होगी इस देश में तो ये प्लास्टिक भी बंद नहीं होगा। क्या करना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वृक्ष ही ऐसा हमारे लिए देखा गया है। आज पर्यावरण की रैली निकाली गई आपने और लगभग समाज के हर वर्ग को आपने अपने साथ जोड़ा है, हर उम्र के लोगों को आपके साथ जोड़ा है, क्या ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि खरगोन से बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा पर्यावरण को लेकर? बहुत बड़ी, बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत बड़ा संदेश जा रहा है पूरे देश। अच्छा संदेश जाएगा और लोगों का अगर इस तरफ जिस प्रकार से आज उत्साह उमड़ा है, लोगों का अगर इस प्रकार से जमीन पर भी काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय हम सब के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।